खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वारब में बने डेंजर जोन का केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के रीजनल अधिकारी और राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्च अधिकारियों को मौके पर रोड के सुधारीकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही डेंजर जोन से मलबे हटाने और तकनीकी व्यवस्था करने के साथ वैकल्पिक रूट बनाने के भी निर्देश दिए। वही मीडिया से बात करते हुए अजय टम्टा ने कहा कि क्वारब के डेंजर जोन के कार्य को त्वरित शुरू करने के साथ ही चंपावत के स्वाला व नैनीताल के कैची बाईपास को जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि कैची धाम में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सके। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। शासन यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के अभी मौजूद, हमारे एनएच के चीफ भी आए हैं, हमारे भारत सरकार के आर ओ भी हैं और टीएसडीसी के लोग भी हैं। सबके संयुक्त निरीक्षण के बाद इसमें हमको 10-12 दिन में हमको एक रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, उस रिपोर्ट के अनुसार हम काम करेंगे। फिलहाल जो ये डेंजर जोन है, इसको झाड़ने के मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको जहाँ पर ये एक्सीडेंट पॉइंट है इसको ठीक करें। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एनएच में 3 जगहों पर ये समस्या आ रही है। एक क्वारब पुल पर आ रही है जो इसका आप लोग देख रहे हैं, दूसरा हमारा स्वाला में आ रही है जो चंपावत जिले के अंदर, वहाँ भी हमारी टीएसडीसी की टीम ने काम किया है, उसको भी हम चला रहे हैं, उसको भी उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और तीसरा हमारी जो है कि कैची के पास जो लंबा जाम लग रहा है उसको भी अभी हम देखने वाले हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे कि किस प्रकार से हम वहाँ के ट्रैफिक को कंट्रोल करें, क्योंकि 3-3, 4-4 घंटे का जाम लग रहा है, लोगों की ट्रेनें छूट जा रही हैं, हॉस्पिटलाइज करने में दिक्कत आ रही है। और आज हमने इसलिए सारे अधिकारी बुलाए, बहुत जल्दी इस पर हम तुरंत अच्छे से कार्रवाई हो, लोगों को सुविधा मिले।